बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411084214 और 9953737799। देखिए, अलीगढ़ जंक्शन पे 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें कल 31 तारीख को मॉर्निंग में सूचना मिली थी कि कोटा पटना एक्सप्रेस में यात्रियों के 3 बैग चोरी हो गए हैं। उसके बाद कोटा पटना से इन्होंने चोरी करी, उसके बाद ये टूंडला जंक्शन पे उतर गए और वापस जोधपुर हावड़ा पे चढ़ गए तत्काल, और जोधपुर हावड़ा में इन्होंने चोरी करी। उसके बाद वहीं पर उतर करके वापस अवध एक्सप्रेस में चढ़ गए, अवध में भी चोरी करी, और उसके बाद मगध एक्सप्रेस में बैठ के अलीगढ़ की तरफ चले गए। 3 ट्रेनों में चोरी होने के बाद पता लगा तो हम लोगों ने सब जगह चेकिंग शुरू करा दी और सभी जंक्शनों पर अलर्ट जारी कर दिया। उसके परिणाम स्वरूप हम लोग 3 लोगों को अरेस्ट कर पाए हैं। ये तीनों बिहार बेगूसराय के रहने वाले हैं। इसका नाम, एक का नाम विनोद कुमार, नीरज कुमार और गुलशन आनंद है। ये पहले भी डकैती और लूट के मामलों में जेल जा चुके हैं। इन्होंने समस्तीपुर और बिहार में भी 2 चोरियां जून में करी है, इसी तरीके की चोरियां करी है ट्रेनों में चोरियां। इन्होंने बिहार में जून में 2 कंटिन्यूस घटनाएं करी और यहां कल एक ही दिन में 3 कंटिन्यूस घटनाएं करी। इसके अलावा इसके आधार पर हम लोगों ने टोटल इन पर 6 मुकदमे लिखे गए इन लोगों पर, और 6वां मुकदमे वर्कआउट हुए हैं। इसमें 5.5 लाख का माल बरामद हुआ है, जिसमें डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, कपड़े, मोबाइल फोन और जो भी घरेलू सामान होता है बैग्स में यात्रियों के साथ, वो सब बरामद हुआ है। बड़ी उपलब्धि है, एक व्यक्ति इसमें अभी वांटेड है। इसके अलावा उस व्यक्ति के अलावा उसमें कौन कौन शामिल था वो भी हम लोग पता लगा रहे हैं कि इस गैंग में और कौन कौन शामिल है। यह अंतर्राज्यीय गैंग है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा भी और स्टेट्स में भी जरूर काम कर रहा होगा और चोरियां कर रहा होगा। ट्रेनों में चोरी करने वाला या आसपास के कई जिलों में और सॉरी कई स्टेट्स में, राजस्थान, दिल्ली और इधर बिहार और उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने घटनाएं करी है। हम इसके आधार पर काम कर रहे हैं। इन पर 8 FIR दर्ज हो चुकी है और 6 FIR जिसमें चोरी की है हमारे इसी अनुभाग की, आगरा अनुभाग की, और हम लोग इनको जेल भेज रहे हैं, गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे इन पर। तरीका यह है कि AC कोच में ये लोग बैठते हैं और बहुत ही अच्छे कपड़े पहन करके। एक बार में तो इंस्पेक्टर को भी समझ में नहीं आया कि ये चोर हो सकते हैं जब पकड़े गए, लेकिन उसके बाद जब उनके पास सामान मिले, लेडीज पर्स मिले, लेडीज बैग मिले एक जेंट्स के पास, उसके आधार पर यह शक ठहराता गया कि 100% चोरी हो गए। जब सामान चेक किया गया और उनसे एक एक मोबाइल मिलाना शुरू किया तो सब वादियों के मोबाइल मिले जिनकी चोरी हुई थी। सबने कहा कि साहब ये हमारा चोरी, आज कल स्ट्रेन हुआ था, कल स्ट्रेन हुआ था। उसके बाद हम लोग उन पर और कड़ी पूछताछ की और पूरी गैंग का खुलासा हो गया। AC कोच में बैठकर चोरी करते थे? जनरली AC कोच में चोरी करी थी।